आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। प्लाज्मा न्यूज लगातार ओखला से कवरेज करता है, मगर आज हम लोग जामा मस्जिद के इलाके, पुरानी दिल्ली का इलाका कहलाता सना ये पुरानी दिल्ली के इलाके में है, और आज सना के घर चाय पीने आए हैं। सना के मम्मी ने बड़ी अच्छी चाय बनाई। हम लोग रिपोर्टर्स कैमरा पर्सन मारिया भी हमारे साथ हैं, इरफान भी हैं जो लाइव कर रहे हैं। आंटी, आपकी चाय बहुत अच्छी लगी। बातचीत की शुरुआत हम आपसे ही करेंगे, ये आपकी मोहब्बत थी कि अफ्तार के बाद हम लोग साथ में आपके हैं। वाकई सरकारी स्कूल बदल गए हैं, एक माँ के तौर पर मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। जनता क्योंकि व्यूवर्स है, लोगों में एक विश्वास पैदा होनी चाहिए, क्योंकि चारों के चारों लड़कियाँ, आपकी पाँच लड़कियाँ हैं जिससे चार से बातचीत हो रही है। मैं ईमानदारी से आपसे चाहता हूँ, क्योंकि आपकी बड़ी बेटी भी है, सेकंड वाली भी है, सना चौथे नंबर पे, सबसे छोटी भी है। मैं ईमानदारी से आपसे, वाकई सरकारी स्कूल बदल गए चार साल में? जी, बहुत बदलाव हो गया सर स्कूल के अंदर। ये चार साल से तकरीबन ज्यादा बदलाव हुआ है। मैंने सोचा, जब से बदलाव करा है, एसएमसी जब से चालू करी है, तब से स्कूलों में बहुत बदलाव हो गया है। हर बच्ची को मतलब ये होता है कि पहले तो बातचीत भी नहीं होती थी पेरेंट्स के साथ, अब टीचर्स भी वाकई में बातचीत करती हैं, पढ़ाई के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, सारे टीचर स्टाफ भी अच्छा है, बहुत चेंजिंग आ गई है स्कूलों में। सना मेरे साथ है, उसकी बहन है, माँ है, कि चारों पांचों लोग से हम लोग बातचीत करने का मेरा मकसद क्या है? देखिए, मेरे पीछे क्या हुआ है, इन बहनों का, जिन लड़कियों को आप नहीं पढ़ाते हैं ना, उन लड़कियों को पढ़ाइए। मैं कहता हूँ अक्सर लोगों को कि जिन लड़कियों की कम उम्र में शादी लोग कर देते हैं, मौका नहीं देते हैं, ये माँ सामने खड़ी हुई है, बच्चों के पीछे पागल की तरह काम करती है, पढ़ाती है, वो चाहती है कि उनके बच्चों का सपना बन सके। सना जो टॉपर रही दिल्ली की, ये बहन है उनकी बहन। मैंने बहनों से भी बातचीत, क्यों मैं बातचीत कर रहा हूँ उसकी वजह मैं बताऊंगा। मैं सना के घर से ये लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। सना की इन बहनों का ये अवार्ड है। देखिए, लोग कहते हैं ना लड़कियाँ, देखिए लड़कियाँ क्या कमाल कर रही हैं इस घरों में, इसी पुरानी दिल्ली में कमाल हो रहा है। और ये सारे अवार्ड्स हैं, और ये जितनी लड़कियाँ हैं सब गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट हैं। ये सना की सबसे छोटी बहन है, इससे भी बातचीत करेंगे। बेटा, वाकई चार साल में परिवर्तन आया है स्कूल में? मम्मी जो कह रही हैं, क्या है पांच परिवर्तन आप बता दो जो आपको लगता है, काउंट कर दो पांच परिवर्तन, जनता को बताओ तुम, जो सच्चाई से तुम्हें लगता है कि हाँ परिवर्तन, ये परिवर्तन आया है जो चार साल पहले तुम्हें नहीं दिख रहा था। अच्छा, डेस्क वगैरह में इम्प्रूवमेंट आया, और क्या क्या हुआ? टीचर्स पढ़ा रहे हैं यार, पहले नहीं पढ़ा रहे थे। और तीसरा डेवलपमेंट? मिशन बुनियाद हुआ जब से, और हैप्पीनेस की क्लास। अच्छा, हैप्पीनेस का क्लास दिया गया, उसमें क्या होता है? अच्छा, आपको मन लगता है, आपको लगता है यार स्कूल ठीक है, अब इम्प्रूवमेंट आ रहा है, पेरेंट्स टीचर्स में बदलाव आप देख रही हैं। अच्छा, पानी वगैरह में अक्सर सुनते हैं टॉयलेट वगैरह खराब रहता है, सफाई सुथराई का क्या हालत है? सफाई वगैरह सब है, डेवलपमेंट है ना, आपको लग रहा है चेंजेस है बाकी पहले के बजे? क्योंकि आप शुरू से किस क्लास से पढ़ रही हैं उस स्कूल में? कहीं से पढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट आपको लग रहा है देखने में, सारी चीज़ें लग रही हैं ना, ठीक है। सना की एक और बहन है जो जामिया मिलिया से पढ़ रही है ना, आप अपना नाम बताइए। आप तो बहुत तारीफ कर रही थी है ना कि सरकार, क्योंकि बहने लगता है बताती होंगी आपको, खुशी हो रही है। तो क्या चेंजेस आपकी बहन क्या बताती है सरकारी स्कूल, क्या क्या चेंजेस? मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को बताइए जो आप फील कर रही है आपकी छोटी बहन। मेरा नाम इकरा है और मैं फाइन आर्ट्स कर रही हूँ। मेरे टाइम पर जो मैं हम सेम स्कूल से एजुकेशन ली है, तो मेरे टाइम पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी वहाँ पर, जो अब ये बताती हैं काफ़ी फैसिलिटीज़ दी गई हैं फर्नीचर को लेकर, टीचर्स को और एसएमसी मेंबर्स, अब होने लगी उनकी मीटिंग और फर्नीचर काफ़ी अच्छा हो गया हैप्पीनेस की क्लासेज होने लगी हैं और बहुत अच्छी होती है। सना, आप बहुत ज़रा मेरे साथ ही आओ यहाँ पे। हैप्पीनेस के क्लासेस में क्या मिलता है, क्या चीज़ें कराते हैं ये लोग? हैप्पीनेस में, क्योंकि बच्चे जो है उनके ऊपर काफ़ी डिप्रेशन आ जाता है एजुकेशन से या पढ़ाई को लेकर, तो उस पीरियड में बच्चे को इंजॉयमेंट कराया जाता है, उन मेडिटेशन कराई जाती हैं और उनकी जो क्रिएटिविटी है उनको निखारा जाता है, जैसे पेंटिंग, उनका जो इंटरेस्ट है उनको पर काम किया। अच्छा, मुझे पाँच चेंजेस बताओ जो चार साल के अंदर हुए, वो क्या पॉइंट चेंजेस जो आपको लगते हैं? सबसे बड़ा जो चेंज है वो टीचिंग फैकल्टी में आया है। टीचर्स अब बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए हैं पढ़ाई को लेकर, एक भी पीरियड मिस नहीं करते हैं, बल्कि एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेने लगे हैं। और फर्नीचर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया है। पहले जब मैं थी फिफ्थ क्लास में, तो वहाँ पर पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, ठंडा पानी नहीं आता था, तो अब ठंडा पानी है सर, ड्रिंकिंग वाटर। अरे, जो स्ट्रेंथ है क्लास की, वो एब्सेंट वगैरह पहले हमको लगता बच्चे ज्यादा होते थे, अब एब्सेंट वगैरह नहीं होते हैं। नहीं, अब तो होते ही नहीं है, क्लास की 100% अटेंडेंस सभी की, क्योंकि
कि अब पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होने लगी है, तो टीचर्स भी डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं टीचर्स से, पेरेंट्स से वो बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। आपने तो बताया कि यूपीएससी करना है, आप फाइन आर्ट कर रही हैं, है ना, आपका आगे सपना क्या है? अभी तो मुझे स्टडी करनी है सब। अच्छा, ये बहन जो है इनकी मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए आप, ये रूम है इनका, देखिए कितना अच्छा जामिया से ये पढ़ती है, कितने अच्छे घर को ही सजाया है, मम्मी मिठाई लेके खड़ी हुई है, मम्मी का देखो हम लोग खाएंगे खाएंगे। ये बड़ी बहन है, आप बताइए अपने बारे में, सला की बड़ी बहन है, आप क्या करती हैं, किस तरह से पढ़ाई किया, क्या चीजें आप? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, फैशन डिजाइनिंग कर रही है। अच्छा, यहीं से फैशन, ये आपने ही बनाया है सारी चीजें? अच्छा, क्या अच्छा, आप दोनों लोगों ने मिल के बनाया है। अच्छा, क्या आप लोग उम्मीद थी कि सला टॉप कर जाएगी? आपसे बातचीत करते होंगे कि आपकी बेटी कैसे टॉप कर गई, सवाल पूछते होंगे कितनी पढ़ती है, कितना घंटा पढ़ती है, ये सब सब सवाल है, तो कहीं ना कहीं आप तो लोगों को मदद करती होंगी, देखिए आपने एक एग्जांपल क्रिएट किया। जी मैं वैसे भी बहुत हेल्प करती हूँ, तो मैंने बताया आपको बच्चों को, जहाँ तक ये सोचती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ रहा है, मैं भी किसी के लिए भलाई करूँगी, तो आगे कल को मैं मर गई और मेरे बच्चों के लिए अल्लाह ताला कुछ और ही भलाई करेगा। मैं सोचती हूँ जो बच्चे पढ़ते रहेंगे उनसे कहती हूँ कि मैं एडमिशन करा दूँ और आगे से आगे बढ़कर हिस्सा लेती हूँ कि हाँ, फिर बताती हूँ, और मेरे बच्चे ट्यूशन भी देती है, जो बच्चे आ गए पड़ोस में से जी उनको ट्यूशन भी देती है बच्चे मेरी, और किसी को कुछ स्कूल का और कुछ काम करवाना है, किसी को चार्ट वगैरह बनवाना है, तो बच्चे हेल्प कर देती हैं। मैं कहती हूँ बच्चों से आप यहाँ पर के आसपास का क्या माहौल है पढ़ाई लिखाई का, अगर आसपास देखें, लेकिन रिजल्ट आने के बाद कई लोग आपके पास आते हैं, उनको बेटी टॉप कर गई, चीजें माहौल तो बदला है अंदर से लेके बाहर तक का, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि लाइमलाइट में सना इंडी टीवी पर मैंने दिखा रही थी, तो यहाँ के आसपास के लोगों का क्या माहौल है, क्या आप वो अपनी लड़कियों को भेजना शुरू करते रहे, या क्या रेशियोज है बाहर के पढ़ाई वगैरह? वैसे हो सकता है आपके जो सना की सबने सोचा ये देखा भी है कि हाँ दिल्ली टॉपर, तो आगे से आगे हर पेरेंट्स ये सोचा है कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ा जी, और मेरी भी यही है उम्मीद सब पेरेंट्स के साथ पूरे देश के, मैं कहती हूँ बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल लड़कियों को खास आगे से आगे तालीम हासिल हो, ताकि लड़कियाँ अपने पैरों पर खड़ी हों, और खुदा से दुआ करती हूँ कि मेरी बच्चियों को और सबकी दुआओं की ज़रूरत है कि इल्म की दौलत से अल्लाह ताला सबको नवाजे, सब बच्चियों को नवाजे, और ये IAS का जो है ये बनना चाहती हैं, इनको अल्लाह ताला इनको कामयाबी करे, ये देश के लिए सेवा करना चाहती है सना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मैंने स्टोरीज की शुरुआत की थी होटल से, हमने अवतार किया सना के साथ, उसकी मम्मी के साथ, पापा के साथ, क्योंकि सना के पापा वहीं से, देखिए आप उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं है, ना माँ ना बाप, लोग बोलते हैं कि बेटियाँ हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, मगर इतने खुशहाल हैं, इनको गर्व है कि हमारी बेटी है, कुछ अब तो स्कूल में अलग पहचान होगी तुम्हारी, सना की बहन है, क्या लोग परेशान करते हैं, फायदा हुआ है सना के अच्छा करते हैं ना, क्या बोलते हैं लोग पहचानते करें सना की यही वाली छोटी वाली बहन है, टीचर्स वगैरह तो इम्पोर्टेंस ज्यादा देने लगे होंगे। अच्छा, कुछ फायदा हो गया सना की बहन रहने का, है ना? नहीं तो पहले भी इनकी बहन ने, मैं बता रही हूँ ना, 7 नंबर से पीछे रह गई थी उम्रा, दिल्ली उम्रा एक और ये है जी, नहीं वो हिंदू कॉलेज में जाती है, अब मतलब ये की वो 7 नंबर से पीछे रह गई थी, उन्होंने भी टॉप करा था उम्रा ने, तो पहचान तो स्कूल से पहले से ही है, पढ़ाई में मेरी बच्चे सारी अच्छी रही है। अच्छा, तो ये सना जो है सना 9th क्लास से टॉप आप कर रही है। अच्छा, 9th क्लास से सना टॉपर, बहुत जी। अच्छा सना, बहुत सारे लोग 10th में कितना परसेंटेज था तुम्हारा? 89। अच्छा, तुम्हारा अपना सेल्फ चॉइस था आर्ट जो था कि आर्ट्स लेना है, या कोई कंपल्शन था, साइंस क्यों लिया तुमने? क्योंकि मुझे आर्ट्स में ही इंटरेस्ट है, ह्यूमैनिटीज मुझे ज्यादा अच्छी लगती थी, इसलिए। और साइंस हमारे स्कूल में भी नहीं है जी, साइंस साइड जो ये कहती है कि भाई मेरे पास फाइनेंशियल कमजोरी है, हम नहीं कर सकते हैं, ये चीजें नहीं कर सकते, अगर कोई मैसेज देना चाहो सना किस तरह, क्योंकि मैं बहुत चीजें बातचीत की, बहुत देर से मैं आपसे बातचीत की, आपने कहा एक बात कहा कि आपने ट्यूशन लिया ही नहीं, और ट्यूशन ना लेने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में टॉप कर जाना ये बहुत बड़ी चीज़ है, कहीं ना कहीं आप, मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल्स पे पूरा फोकस और गाइडलाइन स्कूल पे ही पूरा डिपेंडेंट रहे, तो जो लड़कियाँ ट्यूशन या फाइनेंशियल कमजोर हैं, जो ट्यूशन नहीं लेती हैं, उनको क्या गाइडलाइन आप देना चाहिएगा कि वो किस तरह से अपने आप को 12th में प्लान आउट करें कि आने वाले समय में वो भी बेहतर कर सके? मैं चाहता हूँ एक दो टिप्स दें लड़कियों को जो 12th क्लास में अभी इस बार गई, क्या करें, वो प्लान आउट बताइए आप। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि फाइनेंशियली आपकी जो भी
स्टेटस से वो मैटर नहीं करता है। अगर आप में पोटेंशियल है पढ़ने का और आपको इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं। और अब मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि NCERT पे ज़्यादा फोकस करिए तो, और फिर उसके बाद अगर आपको लगता है आपको कुछ करना है तो आपको टेन्योर्स और सैंपल पेपर वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, सना के बारे में पूछता है जामिया में कोई? आप तो जामिया में चले गए कि जामिया में इसकी बहन है सना? सब पूछते हैं। और सना भी फाइन आर्ट्स करने वाली थी, कभी सोच अपनी नहीं। सना को दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ट है सना, आप गए? मैं तो सजेस्ट करूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी जाइए फिर JNU वगैरह के लिए। ये मालूम हो गया जामिया में कि सना बहन है तुम्हारी? अच्छा, माहौल बदला है? प्रोफेसर वगैरह पूछ रहे थे या नहीं? अभी तो एग्जाम्स हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये मालूम होगा कि सना तुम्हारी बहन है। टीवी कौन कौन टीवी चैनल्स तुम्हें कवर किया, किस किस टीवी चैनल्स के लिए गए? NDTV, TV9 पे भी गए। देखिए, कई टीवी चैनल से मिलकर किया है। आप कहाँ पे हैं? आप बताइए कहाँ? दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी कहाँ है? आपको भी लोग पूछता होगा ना कि सना तुम्हारी बहन है कि नहीं है? जी, मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही हूं। अच्छा, ये बता दिया कि सना टॉपर, सना जो है सना? अच्छा, ये बता दिया आपने। अच्छा, कहीं बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, माहौल में परिवर्तन कैसे आता है, चीजें कैसे। मैं आपको एकदम सच बात बता रहा हूँ, इनकी माँ जो है ना, उन्होंने पूरे घर को बदल दिया। हम इसीलिए लोगों को कहते हैं कि आप महिलाओं को आज़ाद कर दीजिए और महिला घर देश को खूबसूरत बनाती है। लोग ये कहता है कि एक लड़की को पढ़ाने का मतलब एक खानदान को पढ़ाना, मैं कहता हूँ कि देश को खूबसूरत बना रहे हैं आप। तो हमारी और आप इस स्टोरी करने का मेरा मकसद था, सना की बहनों से बातचीत करने का, उनकी माँओं से बातचीत करने का। देखिए कितना अच्छा माहौल है घर का, और ये माहौल कब खूबसूरत या अच्छा बनता है? अच्छी तालीम से बनता है। जब घर में अच्छी तालीम आएगा तो ऑब्वियस सी बात है अच्छा पैसा आएगा और आप दूसरे लोगों की मदद कर सकेंगे। मिस की एक माँ ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा आप अंदाज़ा लगाइए। 5 लड़कियाँ इनकी हैं, ये सबसे छोटी लड़की है, 9th क्लास में है। तो ऑब्वियस सी बात है इनसे एक और बहन, वो भी तो आपको 7 नंबर से रुक गई, मगर इतनी अच्छी तालीम जहाँ आप और हम नहीं सोच सकते हैं। लड़कियों को बेहतर तालीम नहीं, मगर सारी लड़कियों को। इनके फादर जो है वो होटल्स में, शुरुआत हमने स्टोरीज की। तो हमारे और आपके लिए एक मोरल लेसन है इस स्टोरी का। इस स्टोरी का करने का मकसद ये था कि समाज में हम एक पॉजिटिव न्यूज, एनर्जेटिक न्यूज दे सके और बता सके कि अपनी लड़कियों को मौका दीजिए, प्लीज मौका दीजिए, पढ़ाने के लिए मौका दीजिए, पढ़ने के लिए मौका दीजिए, और देखिए कि आपकी लड़कियां कितना बेहतर देश के लिए कर सकती है। जैसे सना है 4th नंबर पर, इनके बाद है। तो कहीं ना कहीं मैं इसीलिए पूछा कि कैसा माहौल है, माहौल बदल गया है ये, इसका मतलब सना के नाम से पहचानी जा रही है। ऐसे ही माहौल बदलता है, और सना का जो मिशन है वो UPSC है। हम लोगों से भी, प्लाज्मा ग्रुप से भी जो भी हो सकेगा, हम लोग भी राइट गाइडेंस, क्योंकि मैं भी कोचिंग चलाता हूँ, राइट गाइडेंस देने की। मैंने इनको चैनल्स, एजुकेशन चैनल हमारा है प्लाज्मा कॉम्पिटेटिव एज के नाम से, हमने वो भी सारी चीज़ें की। इसी तरह से हम लगातार आपके लिए एनर्जेटिक न्यूज़ लाते रहेंगे ताकि समाज में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।